परतवाडा येथील दयालघाट मध्ये संस्कृती फॅशन होलसेल दुकानात रात्री पेचकसने तिजोरीचे लॉक तोडून 1,66,000 नगदी सोबत लाखो रुपयांची साडी व अन्य सामग्री चोरट्यांनी लपास केली. सकाळी मॉर्निंग वॉकला जाणाऱ्या लोकांनी अशोक जीवतानी यांच्या निवासस्थानी जाऊन चोरट्यांनी दुकान फोडल्याची माहिती दिली. घटनास्थळी तुटलेले टॉर्चचे तुकडे व चप्पल आढळून आली. संस्कृती से वह सैटिस्फाइड होकर ही निकलता है. अभी जो अभी चोरी हुई आपके इसमें, हाँ, तो वो कितने माल गया उसमें, कितना पैसा गया, मतलब हाँ, कितना चुराएगा? तो उसमें से 1,66,000 रुपए नगद रकम जो कि काउंटर का पेशकश से ताला तोड़कर निकाल ली गई. और रहा सवाल उसमें कुछ ऊंची साड़ियाँ और क्या गया यह तो बताना संभव नहीं है. परफेक्ट क्वांटिटी अभी हमारे हाथ में नहीं आई. कैसा क्या लेकर गया उसने, कैसा मतलब? इस प्रकार से 2 बजे के आसपास यहाँ पर जो गार्ड है वो उपस्थित था. 2 बजे के बाद वह कहीं राउंड के लिए बाहर गया, वहाँ से 4 बजे आया. इस 2 घंटे के बीच में 35 फुट के शटर के बीच में सब्बल से राफ्टर से शटर को ऊपर किया गया और बड़े पत्थर लगाकर उसमें से आने जाने का रास्ता उन्होंने तैयार किया है. इसका मतलब ये हुआ कि कहीं वो 2-4 दिन से इस तरह की घटना को समझ रहे थे कि इस तरीके से अपने को घटना को अंजाम देना है. प्री प्लानिंग के साथ उन्होंने ये घटना की. कितने लोगों का काम लगता, मतलब ये कितने? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कम से कम 4 लोग होना चाहिए. एक वॉश करने के लिए था ताकि अंदर वालों को सचेत कर सके. दयालघाट के रोड पर किसी कॉर्नर पर वो खड़ा था जिसको हमारे गार्ड ने स्पष्ट रूप से देखा, पर सुबह का समय एक धुंधला अंधेरा होने की वजह से उसकी शक्ल पहचान नहीं पाया. करीब करीब 45 साल उसकी एज होनी चाहिए ऐसा. कितना एक साल में कितने बार घटना अंजाम दिए, एक साल में कितने कैसे घटना हो गई? एक साल नहीं, एक महीने में ये दूसरी घटना संस्कृत पहले के साथ हुई है. पहले कितना गया था? पहले इसके पहले जो गया था वो 2.25 लाख रुपए. उसमें कैश थी, चाबियाँ थी तीनों दुकान की, शटर के हैंडल थे, सेंटर लॉक की चाबियाँ थी. वो भरी पूरी बैग वो छीन कर उसके हाथ से छीन कर लड़का भागा और पीछे से आती हुई बाइक पर छलांग लगाकर बैठ के आंखों से उजोल हो गया. अभी प्रशासन से क्या मतलब उम्मीद करते, क्या मांग करते हैं? प्रशासन से ये उम्मीद है कि व्यवहार से प्रशासन के जो अभी पदाधिकारी आए हुए हैं उनका स्वभाव और उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है. मैं उनसे उम्मीद करूँगा कि इस तरफ वो ज़्यादा ध्यान देकर संस्कृति के साथ ये घटना हो जाना उनके लिए भी एक सवाल या निशान खड़ा करता है. मैं उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि वो उसको प्रायोरिटी पर लेकर और ये दोनों मैटरों को क्लियर करने की कोशिश करें. मैं उनसे ये अनुरोध करूँगा ताकि उनका भी नाम और रुतबा बढ़े और संस्कृति की भी खास कायम रहे. सकाळी 6:30 वाजता सायकलहून पेट्रोलिंग करणारे शतानंद मानकर यांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली. उपविभागीय पोलीस अधिकारी पोपटराव अब्दगिरे यांनी घटनास्थळी पोहोचून शॉन पथकाला पाचारण केले. शॉन पथकांद्वारेही चोरीचा काही सुराग लागला नाही. फिंगरप्रिंटद्वारा चोरट्यांचे फिंगरप्रिंटचे निशान घेण्यात आले. विशेष म्हणजे 2 आठवड्यापूर्वी अशोक जीवतानी यांच्या मुलावर त्याच्या घरासमोर 2 व्यक्तींनी हमला करून 2 लाख रुपयांची बॅग लुटले होते. ते आतापर्यंत पोलिसांच्या हाती लागले नाही. या घटनेचा तपास करून चोरट्यांना पकडण्याचा मोठा आव्हान पोलीस प्रशासनावर आहे अशी माहिती परतवाडा येथून आर्यन न्यूजचे प्रतिनिधी साजिद सौदागर यांनी दिली.